आखिरी तक जो टिकता है वही जीतता है। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनी तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक मनुष्य प्राणी का एक ऐसा एक स्वभाव है कि जिसमें उसको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं देखो लोगों को कितना अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, देखो कितना लकी है, और बहुत लकी है तो उसको सब आयता मिल रहा है बिना कुछ किए हुए, कोई एफर्ट्स नहीं है कुछ नहीं, ऐसा उसको लगते रहता है। आपने देखा होगा पानी में जो बतख रहता है, डक, तो वो पानी के ऊपर से इतना शांत तरंगते रहता है, तो लोगों को वो दिखता है कि देखो कितना शांत तरंग रहा है, कितना तैर रहा है, और वो हम देखें तो हमको जिले से आ जाएंगे, मत्सर आएंगे कि देखो कितना अच्छा मस्त मज़ा आ रहा है, कितना अच्छा है। एक्चुअली बतख जो है उसका हमको देखना है कि भाई एक्चुअली उसको कितनी कितना एफर्ट डालना पड़ता है, देखना पड़ेगा कि पानी के नीचे उसकी उसके पैर जो है वो कितने हलचल कर रहे हैं, कितने स्पीड से हलचल कर रहे हैं ताकि पानी के ऊपर वो शांति से तैर सके। लोग कितने कितने मतलब ताकत लगाए रहते हैं, कितने एफर्ट्स करते रहते हैं, कितने कष्ट करते रहते हैं, वो मालूम नहीं रहता है, हमको सिर्फ ऊपर का दिखता है। आपको जीवन अच्छा जीना है तो आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, बहुत कष्ट करने पड़ेंगे, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बहुत सारी ताकत लगानी पड़ेगी, तो कभी हमको अच्छा कुछ दिखेगा कि नहीं कुछ हमारे लाइफ में अच्छा हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बोलते हैं कि ठीक है करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, बाद में करेंगे, करके वो काम की शुरुआत ही नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत जोर शोर से काम की शुरुआत करते हैं, ताकत लगा के काम की शुरुआत करते, आखिरी तक वहाँ तक पहुँचते हैं और थोड़ा सा समय बाकी है, वहाँ उनके प्रयास कम पड़ जाते हैं, वहाँ उनका दम निकल जाता है और लगता है कि अभी नहीं होगा और वो काम छोड़ देते, वो भी जीत नहीं सकते। तीसरे जो लोग हैं बोलते नहीं कुछ भी हो गया तो भी मुझे वहाँ तक पहुँचना है और जीतना है, आखिरी पॉइंट तक मुझे पहुँचना है और जीतना है, और वो जो भी कुछ करना चाहिए वो करते रहते और जीतते रहते। तो हमको वो बनना पड़ेगा कि परिस्थिति कैसी भी रहो, लोग कैसे भी रहेंगे, मैं आखिरी क्षण तक टिक के रहूँगा और वहाँ से मेरी सफलता, मेरी ज़िंदगी, मैं जो भी मुझे चाहिए वो हासिल करूँगा। आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति में सफल होने की क्षमता है। हर एक व्यक्ति अपनी क्षमता का वापर करके उसको एक्शन में लाके सफल हो सकता है। उसके लिए हमको डिसीजन लेना पड़ेगा और डिसीजन लेने के बाद में फिर एक्शन लेनी पड़ेगी जिससे आपको सफलता मिलेगी। हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई कितनी कड़ी मेहनत हमको करनी पड़ेगी सफलता मिलाने के लिए। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उनको चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं है, चाहिए उनको, वो डिसीजन लेते हैं कि मेरे को चाहिए, मैंने करना है, निर्णय लेते हैं कि मैंने करना चाहिए, मगर डिसीजन लेके वहीं रुक जाते हैं, आगे बढ़ते नहीं है, डिसीजन लेके कुछ होता नहीं। डिसीजन लेने के बाद में कृति करनी पड़ती है। जब मैं लोगों को मेरे भाषण में बोलते रहता हूँ कि ये दीवार के ऊपर 5 मुर्गियाँ बैठी हुई है, 5 मुर्गियों में से 3 मुर्गियों ने उड़ने का निर्णय लिया, तो बची कितनी, लोग बोलते 2, मैं बोलता हूँ गलत, 3 मुर्गियों ने उड़ने का निर्णय लिया, डिसीजन लिया, उड़ी नहीं है, क्योंकि डिसीजन लेके सफलता थोड़ी मिलती है, डिसीजन लेके एक्शन करनी पड़ती है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो डिसीजन भी लेते हैं, कृति भी करते हैं, एक्शन भी लेते हैं, जोर जोर से एक्शन लेते हैं, और उनकी ये पक्की रहती है उनके दिमाग में कि नहीं भाई मुझे तो आखिरी तक टिकना ही टिकना है। तो टिके रहना बहुत जरूरी है। मैं हरदम बोलता हूँ टिके रहना कौन है, मेरे भाषण में बोलते रहता हूँ, यहाँ कितने लोग टिके रहना है, लोग बोलते कोई टिके रहना नहीं, बोलते टिके रहना कैसा नहीं है, टिके रहना मतलब टिक कर रहने वाला कौन है, जो टिक कर रहेगा उसको सफलता मिलेगी, जो कृति करेगा उसको सफलता मिलेगी। तो ये बहुत जरूरी है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।